आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ठोस। आज हम 1.4 का पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक्स, यानी क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। देखिए क्रिस्टल जालक क्रिस्टल क्या है आपने समझ लिया होगा, क्योंकि क्रिस्टल के कण एक नियमित व्यवस्था में सजे होते हैं, और ये जितने भी मतलब कि ये क्या दीर्घ प्रासी होते हैं, मतलब बहुत दूर तक, मतलब जितने भी क्रिस्टल है उतना तक ही ये बिल्कुल ही नियमित स्थान में बिल्कुल ही व्यवस्थित होते हैं, तो इसी को क्रिस्टल कहते हैं। इसका क्रिस्टल का जो है गलनांक वो नियमित निश्चित होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी खासियत हैं। तो आज हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल क्या है आपको समझ चुके हैं, और क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। मैंने जैसे कहा कि क्रिस्टल के, सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक पढ़ते हैं, तो क्रिस्टल क्या था, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका क्या था, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। देखिए एवं एकक कोष्टिका, हम इसी में पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि क्रिस्टल में, क्रिस्टल के जो अव्यवीकरण होते हैं, देखिए कोई भी चीज कणों से बना होता है। अब वो कण क्या हो सकते हैं, परमाणु या अणु। जिसके कण परमाणु होंगे वो तत्व कहलाएगा, और जिसके कण अणु होंगे वो यौगिक कहलाएगा। और मैं तो किसी तत्व और यौगिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए क्रिस्टल, मैंने जैसे कहा कि क्रिस्टल के सभी कण एक नियमित व्यवस्था में सजे होते हैं, इस नियमित व्यवस्था में जो आकृति बनती है, जैसे कि इनके पीछे भी होंगे कोई कण, क्योंकि पतला तो नहीं होता कागज, क्रिस्टल का कागज की तरह पतला नहीं होता है बल्कि मोटा होता है, देखिए क्रिस्टल क्या है, वर्गाकार है। अब जैसे कि लीडो छक्का होता है, एक लीडो जिसे छक्का बोलते हैं हम, इस तरह होता है ना, इसी को हम, एक क्यूब है और इसी क्यूब के बारे में बात करेंगे, तो ये इस तरह से होता है, सही से आकृति नहीं बन पा रही है, ये इसी तरह के होते हैं। तो ये सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं, जैसे ये सारे जितने बिंदु हैं ये मिलते मिलते इस तरह से जालक बन जाएंगे, इस तरह से क्या है कि ये आकृति बना लेगी। तो इसी आकृति को, जब ये आकृति, इसे हम एक आकृति है तो इसे एकक कोष्ठिका कहेंगे, क्या कहेंगे, एकक
कोष्टिका कहेंगे, एक को हम एकक कोष्टिका कहेंगे। लेकिन जब इसकी इसकी मतलब कि ये बार बार दोहराता, ये क्रिया बार बार दोहराती रहेगी, तो बार बार दोहराते दोहराते पूरा बन जाएगा ये, तो ये पूरा डब्बा जो है पूरी जगह पे फैल जाएगा, तो इसी को हम जालक कहेंगे, इसी को हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। जब ये इसकी संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम इसे एक मतलब कि क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल देखिए त्रिबिंब क्रिस्टल का, क्रिस्टल जालक का ये है कि त्रिबिंब आकाश में किसी क्रिस्टल के, किसी क्रिस्टल के जालक में, या फिर किसी क्रिस्टल का जालक जिस एकक कोष्टिका से बनता है उसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्लियर तरीके से। त्रिबिंब में क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए क्रिस्टल त्रिबिंब में, त्रिबिंब में क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं, जब ये बिंदु आपस में मिलके एक कोष्ठिका का निर्माण करता है, तो जब ये बार बार दोहराता है नियमित व्यवस्था को, इसी को क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका, मतलब एककों की, इसे हम एकक बोलेंगे। इसे एक क्यूबिक सेल को हम क्या बोलेंगे? एकक बोलेंगे। एककों की या फिर एकक कोष्ठिकाओं की जब नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, जब ये बार बार दोहराता है एक नियमित व्यवस्था में, तो इसी को हम जालक कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, त्रिबिंब में क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, और सिंगल जालक को एकक कोष्ठिका कहते हैं, समझ गए? अब देखिए एकक कोष्ठिका, अब बात आती है एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का मतलब है त्रिबिंब जालक का वह सरलतम रूप। देखिए मैंने क्या बताया, त्रिबिंब जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है वह एकक कोष्ठिका कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका क्या है? एकक कोष्ठिका का मतलब है जब त्रिबिंब जालक का वह सरलतम रूप, त्रिबिंब जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति हो, मतलब दोहराया जाए पुनरावृत्ति से त्रिबिंब जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक तैयार होता है, क्रिस्टल जालक बनता है।
बनता है उसे उसे क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका कहेंगे, उसे एकक कोष्ठिका कहेंगे, वही एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो एकक कोष्ठिका समझ के आप इसे याद कीजिए, ठीक ना, एकक कोष्ठिका। इसी तरह से ये कुछ शब्द हैं जिसे आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसे अच्छे तरीके से। देखिए अब बात करते हैं बिंदु जालक, जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या होता है। देखिए किसी भी क्रिस्टल में मैंने बोला एक कण होता है जो नियमित व्यवस्था में होता है, एक नियमित पैटर्न में, मैं सही से पैटर्न नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन नियमित पैटर्न में होता है। जब नियमित पैटर्न में होता है तो इस पैटर्न को ये समझिए ये क्या है, अणु है, ये क्या है कण है, ये कण है, अणु नहीं कण, अणु कहना सही नहीं, उचित नहीं होगा, कण कहेंगे, कण है ये, क्या है कण है, ये सब कण है। तो देखिए क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में किसी बिंदु पर परमाणु की उपस्थिति को ही हम जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल किसी जालक में उपस्थित परमाणु की निश्चित स्थिति को, क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणु की निश्चित स्थिति को, निश्चित स्थिति ये निश्चित स्थिति पर है, और इसी निश्चित स्थिति को हम क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। जैसे ये है, ये क्या है एक निश्चित स्थिति में, तो इसे जालक बिंदु कहेंगे। ये भी क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल जालक है, तो जालक में उपस्थित, क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी बिंदु की निश्चित स्थिति को हम जालक बिंदु कहते हैं। बस यही है जालक बिंदु, कोई भी बड़ा नहीं है कि हमें समझने में दिक्कत होगा, या फिर इतना वास्ट भी नहीं है। देखिए बिल्कुल साधारण है, एकक कोष्ठिका क्या है, जालक क्या है, और त्रिबिंब क्रिस्टल क्या है, ये सब आप बस इसे थोड़ा सा समझें और दिमाग में रखें। और देखिए अब देखिए समन्वय संख्या, अब समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या है, समन्वय, देखिए ये सब ऐसे शब्द हैं जिसको आप पूछ सकते हैं, मतलब कि आपको एग्जाम में समन्वय संख्या ये सब, देखिए समन्वय संख्या, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अब देखिए ये बिंदु है, मैं अब से बड़ा करता हूँ, एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, पांच, इनके ये जो कण है इस टाइप से सटे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सटे हुए हैं ये सब कण, समझ लीजिए सटे हुए हैं, ये भी सटा हुआ है। ये भी सटा हुआ है, ठीक ना, सब इनके सटे हुए कण। देखिए ये आप इसे लीजिए, इस कण को लीजिए आप, देखिए इनके इनको टच करने वाले कणों की संख्या, देखिए इस कण को टच करने वाले कणों की संख्या, देखिए एक, दो, तीन, चार, और ये भी सटेगा, पांच और छः, एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक मिनट रुकिए, चलिए समन्वय संख्या को हम समझाते हैं। देखिए समन्वय संख्या में हम एक गोला लेते हैं, एक गोला लिए और इसे ड्रॉ किए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला,
एक ही बोला लेते हैं, इसको हम कॉपी करते कॉपी करते हैं। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है समझने में। देखिए एक गोला है, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, इसी तरह पांचवा, इसी तरह छठा लेते हैं, इसी तरह इसके नीचे एक दो तीन चार पांच और छः, इसी तरह फिर एक आप एक गोला इसको लीजिए, ठीक ना, इसको अब लीजिए। देखिए इसको टच करने वाले गोले की संख्या एक दो तीन और चार, जितने गोले टच कर रहे हैं इस तरह से जितने भी हैं, और इसमें एक गोले को चार गोला टच कर रहा है, तो इस टच करने वाले गोले की संख्या को हम समन्वय संख्या कहेंगे। किसी भी गोले को जैसे इसे नहीं इसे भी अगर लेंगे या फिर इसे लेंगे तो इसे भी चार ही गोला टच कर रहा है, हर एक प्रत्येक गोले को चार गोला टच कर रहा है। तो हम इसी टच करने के जो एक गोले को किसी भी मतलब किसी क्रिस्टल में जब एक गोले के टच में जितने गोले होते हैं उसी संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। सीधी सी बात है, समन्वय समन्वय संख्या कहते हैं। इसमें इसका समन्वय संख्या कितना होगा, चार होगा। अब फिर देखिए ये तो एक इस तरह पैटर्न में, अगर अगर कोई पैटर्न में दूसरे पैटर्न में रहे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए एक कण इस तरह से होते हैं और एक इस तरह से, इस तरह से होते हैं, तो इसमें क्या है कि छह गोले एक गोले को टच करता है, छह गोला एक गोला को टच करता है। जैसे कि बीच ये इसे लेंगे तो इसमें ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये और ये मतलब ये छह गोला टच करेगा। जब छह गोला टच करेगा तो इसकी समन्वय संख्या हम छह कहेंगे। ये समन्वय संख्या देखिए सीधी सी बात है, जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक अनकण को जितने कण टच करते हैं उस टच करने वाले कण को ही हम कण की संख्या को ही हम समन्वय संख्या कहते हैं। साधारण सी बात है। अब देखिए अब एक होता है घनीय एकक कोष्टिका। देखिए घनीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका मैं बता रखा हूँ, एकक कोष्टिका क्या होता है सबसे पहले भाई बताता है, एकक कोष्टिका क्या होता है। देखिए घनीय कोष्टिका, घनीय मतलब कि इस आकृति में, घनीय किसे बोलते हैं, जब कोई इस आकृति में हो तो इसे हम घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घनीय कहेंगे। तो ये घनीय कोष्ठिका, इसमें देखिए कितने पृष्ठ हैं, इसमें एक दो, ये सामने वाला तीन, ये चार, ये इसके ये पीछे वाला पांच और ये पीछे वाला छः, छः। आप लूडो में देखेंगे छः फलक होते हैं ना, तो जब इन्हीं फलक के ऊपर जब देखिए एक
दूसरा देखिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए। अब देखिए, पहला सामने में, पहला क्या हुआ, सामने का हो गया एक फलक, हो गया फलक, हो गया ठीक ना। और इसके फिर इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे मानिए ये मानिए ये वाला इसके जस्ट पीछे है। देखिए ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक ये पीछे वाला है, ये आगे वाला हो गया, ये क्या हुआ आगे वाला हो गया, और इनके इनके जस्ट पीछे, इनके जस्ट पीछे दो फलक हो गया, और फिर ये तीसरा फलक हो गया, ये फिर चौथा फलक हो गया, ये पांचवा फलक हो गया, और ये जो है नीचे वाला ये छठा फलक हो गया। छह फलक होते हैं। अब देखिए, जब जब अणु जब कण जब कण गो जब कण कोने पर स्थिर हो, जब कण कोने पर स्थिर हो, तो हम इसे घनीय एकक कोष्ठक, साधारण घनीय एकक कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण। हम बात क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आप घनीय एकक कोष्ठिका। आप क्या पढ़ रहे हैं? घनीय। हम क्या पढ़ रहे हैं? घनीय एकक कोष्ठिका। अब हम घनीय घनीय एकक कोष्ठिका कोष्ठिका के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे घनीय एकक कोष्ठिका के प्रकार अब मैं बता रखा हूँ। घन किसे कहते हैं? अब मैंने बताया था अभी, इसे हम घन कहते हैं ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? हम घन कहते हैं। तो घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका में सबसे पहले साधारण साधारण घनीय साधारण घनीय एकक कोष्ठिका साधारण घनीय घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। घनीय कोष्ठिका के बारे में देखिए, एक घन है, और घन के जब घन के कोने पर जब कोई कण, जब मतलब किसी चालक में, किसी क्रिस्टल चालक में जब कण घन के कोने पर हो, आठों कोने पर हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? साधारण घनीय कोष्ठिका। साधारण क्या कहेंगे? साधारण साधारण घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका कहेंगे। साधारण घनीय एकक कोष्ठिका कहेंगे। क्या है देखिए, अब देखिए, एक अणु, देखिए इस घन पे घन के कितने कोण हैं? आठ कोण हैं, आठ कोण हैं, तो आठ अणु है। लेकिन एक अणु में आप ध्यान रखिएगा, ये कितना है? घन कोना आठ है, आठ अणु हो गए, लेकिन एक अणु आठ आठ घन से जुड़ा होता है, आठ घन से जुड़ा होता है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए हम आपको बताते हैं, सिंपल सी बात बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लीजिए, देखिए हम एक क्यूब बनाते हैं, चार क्यूब बनाते हैं, ये चार क्यूब हैं, चार वर्ग हैं। क्या है? वर्ग है। देखिए अब अगर हम एक बॉल लेते हैं, विड्थ नहीं, बॉल लेते हैं, बॉल क्या होता है? गोल होता है। तो हम इस बॉल को आधा धसाएंगे,
क्या करेंगे, आधा धसाएंगे तो आधा बॉल निकला रहेगा, आधा चारों क्यूब के अंदर घुस गया और आधा निकला हुआ है। अब देखिए एक और तैयार कीजिए, एक चार क्यूब का पैटर्न और तैयार कीजिए, चार क्यूब का पैटर्न और तैयार कीजिए। देखिए चार क्यूब का पैटर्न तैयार कर लिए, ये जो आधा बॉल है, आधा बॉल अंदर धसा, आधा बॉल ऊपर रखा है। अब इसको अगर उठा करके आप इसको उठा करके अगर इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम बताते हैं। इसको उठा करके इसके ऊपर रखना है। अब देखिए क्या होगा, आधा बॉल इसका निकला हुआ है, आधा बॉल अंदर है इसके, इस चारों के अंदर है और आधा बॉल निकला हुआ है। अब इसको हम उठाएंगे, इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, बात समझिए। अब पहले तो आधा बॉल निकला हुआ था, अब ये ऊपर बैठ गया है, तो कितने क्यूब को टच कर लिया, आठ क्यूब को टच कर लिया, ये एट क्यूब को टच कर लिया। बहुत मस्त लॉजिक है, आप अगर समझ गए तो आपका जो ये ठोस है बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। तो ये एक कण कितने को टच कर रहा है, आठ क्यूब को टच कर रहा है, आठ क्यूब को। और एक क्यूब पे कितने कण लगे होते हैं, आठ कण। तो एक क्यूब को देखिए, एक क्यूब को आठ कण टच करते हैं, और कितने एक क्यूब पे कितने कण लगे होते हैं, आठ कण लगे होते हैं, मतलब के आठ। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक कण आठ क्यूब को टच करता है, एक कण आठ क्यूब यानी कि घन को टच करता है। लेकिन एक घन पे कितने कण टच में रहते हैं, आठ कण टच में रहते हैं। एक घन में आठ कोने होते हैं, आठों कोने पे एक कण होता है, मतलब कि एक घन को आठ कण टच करता है और एक कण आठ घन को टच करता है, दोनों बराबर है, समझिएगा। एक कण कितने घन को टच कर रहा है, आठ घन को, और एक घन कितने कण को टच कर रहा है, आठ कण को टच कर रहा है, बराबर है ना। तो देखिए एक कण आठ घन को और एक घन पे आठ कण होते, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक घन पे एक कोष्टिका में, मतलब घन जो साधारण घनीय इकाई कोष्टिका जो होती है उस पर एक ही कण होता है। बहुत बड़ा लॉजिक है ये, अगर आप समझते हैं, और बहुत बड़ा लॉजिक है और बिल्कुल साधारण है, आप इसे समझ गए तो यकीन है कि आपको ये जो ठोस है वो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फिर से समझाते हैं आपको, देखिए एक कण है, मैंने आपको बताया था आपको कि एक पैटर्न है, एक नीचे चार क्यूब बोलते हैं और उस पर हम एक बॉल डालें, बॉल को समझिए कण है ये, ठीक ना, बॉल को समझिए क्या है, कण है ये। तो ये आधा इसको धसाए अंदर और आधा बाहर रह गए। तो अभी एक और पैटर्न तैयार किए क्यूब का इस तरह ही सटा करके, और इसको उठा करके हम इस पर डाल दिए। देखिए क्या हो गया, आठ क्यूब एक कण को टच कर गया, मतलब कि एक कण आठ क्यूब से जुड़ा होता है, एक कण आठ क्यूब से जुड़ा होता है। तो एक कण कितने क्यूब से जुड़ा हुआ है, आठ क्यूब से जुड़ा हुआ है। और एक क्यूब पे कितने कण होते हैं, आठ कण होते हैं।
आठ कण होते हैं, मतलब कि एक कण का आठ टुकड़ा होता है और आठों टुकड़ा एक एक क्यूब में, आठों क्यूब में घसा होता है। तो हम एक आठ बटा कुना आठ, मतलब कि जैसे कि एक बॉल लीजिए आप, बॉल को चार फाँक कीजिए, तो बॉल के एक फाँक की आकृति कैसी होगी, देखिए इस तरह से आकृति हो जाएगी, इस तरह से आकृति हो जाएगी, मैं आकृति सही से बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से आकृति हो जाएगी एक बॉल के टुकड़े की, और इसे फिर काट देंगे तो आठ टुकड़ा हो जाएगा, इस तरह से आठ टुकड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आठ टुकड़ा हो जाएगा, आठ टुकड़ा हो जाएगा, और आठों टुकड़ा मतलब कि आठ भाग, एक कण का आठवां भाग हर एक कण के कोने पे, हर एक मतलब क्यूब के कोने पे लगा होता है, तो हम इसी को कहते हैं आठ, वन बटा आठ, ये कण का है, ये कण है और एक क्यूब में लगा होता है, तो आठ आठ टुकड़ा हुआ तो ये कट जाएगा, तो मतलब एक एक ही कण होता है एक क्यूब में, पूरे तरीके से, पूरी तरीका से एक ही कण होता है, मतलब एक ही कण लगा होता है एक क्यूब में, टुकड़े आठ टुकड़े होते हैं, एक एक कण के आठ टुकड़े होते हैं और आठों टुकड़ा कोने पे लगा होता है, और जब उसको हम जोड़ते हैं तो वो एक ही कण के बराबर होता है, एक कण के बराबर होता है, समझ गए, या फिर समझिए कि एक कण, एक कण को हम 100% मानते हैं, एक कण को क्या करते हैं, एक कण को हम 100% मानते हैं, और 100% को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 12.5% होगा, और 12.5% ही सभी कोने पे लगा होता है, मतलब एक क्यूब के जो कोने पे होता है वो कण का 12.5% 12.5% सभी पे 12.5% लगा होता है, सब 12.5% को 8 से गुना करेंगे तो 100 पड़ जाएगा, तो एक कण हुआ, सीधी सी बात है, सिंपल बात है कि एक साधारण घनीय कोशिका में साधारण घनीय एकक कोष्टिका में एक ही कण होते हैं, कणों की संख्या एक ही होती है, मतलब आठ कण जुड़े होते हैं लेकिन कण की संख्या जब जोड़ते हैं आठों कण के टुकड़े टुकड़े को तो एक ही कण पूरता है। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे, आगे बात क्या करेंगे, ये तो हम पढ़ लिए साधारण की घनीय को, अब देखिए फलक फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, देखिए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इंग्लिश में FCC। देखिए इसमें क्या बताए थे, इसमें हम इसमें क्या बताए थे, देखिए इसमें ये बताए थे कि एक क्यूब है और इसमें तो पहले इसमें यहाँ पे गोले हैं कोने पे, देखिए अब मैं जो आपको बताया था, देखिए यहाँ पे एक गेंद है, ठीक है ना, यहाँ पे इतना सा भाग ही तो है सटा हुआ, इतना सा ही भाग ही मतलब कि सटा हुआ है इस क्यूब में, देखिए पूरा गोला नहीं है इसमें सटा हुआ, बस मतलब कि 12.5% ही भाग एक गोले में सटा होता है, एक गोला ही दूसरे मतलब क्यूब में सटा होता है, इसी तरह से आठों क्यूब में ये गोला सटा होता है, ठीक ना, तो ये एक ठुकला हुआ और एक ये एक ये, देखिए एक दो तीन आठ गोला हो गया एक ये। अब देखिए अब जब फलक मतलब ये फलक है, ये
ये फलक है, ये छः फलक है, ये फलक है। अब देखिए एक फलक छः फलक हुआ, तो छः फलक हुआ तो एक फलक पे जो कण लगे होते हैं तो इस पर भी जालक तो और है, इसके आगे भी जालक होंगे सटे हुए, तो ये आधा इसके अंदर होता है और आधा दूसरे अंदर, दूसरे के अंदर होता है, तो छः फलक है, तो मतलब आधा आधा गुना छः, और ये तो आठ है ही, तो ये आठ की कितना बताया था, एक होगा, तो ये एक, एक प्लस वन पॉइंट सी, मतलब कितना कण हो गया, ये कट जाएगा तो ये कितना होगा, चार, चार कण। फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में चार कण होते हैं, और फलक केंद्र जो फलक पे, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका से कहते हैं, जो बोस तो साधारण क्यूबिक सेल की तरह होते हैं लेकिन उसके ऊपर फलक, फलकों पर भी कण लगे होते हैं, तो उसे ही हम फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसी तरह काय मतलब के बॉडी, केंद्रीय इकाई सेल, काय केंद्रीय इकाई सेल, काय केंद्रीय। तीसरा है काय केंद्रीय इकाई, इकाई सेल, इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका, कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका। देखिए ये ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब। ये क्यूब है तो इनके एक बीच में जो है, बीच में एक कण होता है, बिल्कुल बीच में, सेंटर में, फलक पे नहीं बल्कि बीच में, सेंटर में एक कण होता है, तो जिस कोशिका, जिस कोशिका के सेंटर में एक कण हो उसे हम काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, इकाई या एकक कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका कहते हैं, उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, सेंटर्ड बॉडी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। तो इनके ऊपर, इनके, इनमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहले एक, ये जो मतलब कि ये आठ भाग होता है इसका, मतलब आठवां भाग इसमें लगा होता है, तो आठवां भाग, तो आठ गुने प्लस एक, सेंटर में ये कट जाएगा तो क्या होगा, दो, एक प्लस एक दो, दो संख्या होगी, इससे संख्या दो होगी, तो ये काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका है, काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका इसे कहते हैं, जिसके जिस कोष्ठिका के ऊपर, जिस कोष्ठिका के अंदर में, सेंटर्ड में, बीच में एक कण मौजूद हो उसे हम काय केंद्रीय इकाई कोष्ठिका कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बताएंगे कि इनके एरियाज को कैसे निकाला जाता है, और घनीय इकाई कोष्ठिका ये सब तो आप जान ही गए हैं, और इसके बाद हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।